अजय देवगन को फिल्म इंडस्ट्री में काम किए लगभग 30 साल से ज़्यादा समय हो गया। इस दौरान उन्होंने हर जॉनर की फिल्म में काम किया। वे जिस भी जॉनर की फिल्म में नजर आए उनके अभिनय की काफ़ी प्रशंसा की गई। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सिंघम के सभी पार्ट काफ़ी हिट रहे। अब रोहित शेट्टी बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी के साथ एक एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं। सूर्यवंशी में दोनों की जोड़ी नजर आएगी। इस फिल्म में अजय देवगन सिंघम के किरदार के रूप में कैमियो प्ले करने वाले हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और फिल्म की तुलना एवेंजर से कर डाली। वहीं अजय ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा, यूनिवर्स का बॉलीवुड में काफ़ी स्कोप है। सिंघम एक मजबूत फ्रेंचाइजी है, इसके बाद सिम्बा और सबसे महत्वपूर्ण सीरीज बनी। अगर अक्षय कुमार की सूर्यवंशम भी इस तरह कामयाब होती है तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा कि एवेंजर्स जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। एवेंजर्स को हर तरफ से ढेर सारा प्यार मिला और हमें भी लगता है कि ऐसा ही कुछ हमारे साथ होगा। या फिर आप आयरन मैन के फ़ैन हो या फिर किसी और एवेंजर के, जब सभी एक साथ फिल्म में काम करने आते हैं तो फिल्म को सफलता मिलती है। उसी तरीके से अगर जाहिर सी बात है कि सारे किरदार यानी कि सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी, अगर तीनों को पॉपुलैरिटी मिलती है और स्क्रिप्ट अच्छी होती है तो हम ज़रूर एक एवेंजर्स जैसी कोलैबोरेशन फिल्म बनाने की सोचेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर तीनों एक ही फिल्म के अंदर फुल टाइम आते हैं तो क्या वो फिल्म सुपर डुपर हिट होगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।